राधे राधे, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज 20 माइक्रोग्राम एंड -5 माइक्रोग्राम रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन अ थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, दो पार्टिकल है ए एंड बी, जिस पे चार्ज क्या है 20 माइक्रोग्राम एंड -5 माइक्रोग्राम। ओके, तो अब यहाँ पे पूछा क्या है कि हम थर्ड चार्ज, ठीक है, थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें कि उस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो जीरो हो। ओके, तो देखो हम एक ट्रिक यूज करेंगे यहाँ पे कि अगर सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस क्यू प्लस 4q, ओके, -3q -2q, ओके, अगर सेम चार्जेस होते हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस होते हैं, तो थर्ड चार्ज होता है, ठीक है, इस केस में थर्ड चार्ज होता है इनके बीच में आता है, ओके, और जिसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है उधर की साइड आता है। जैसे इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड सबसे कम है, इसका है, राइट, तो इधर की साइड आएगा, ओके, इसके पास में आएगा। ऐसे ही इन दोनों में देखो किसका मैग्नीट्यूड सबसे कम है, इधर की साइड है, वो इसका है ना, तो इधर की साइड आएगा, ओके, राइट। अब देखो ये दोनों क्या अनलाइक चार्ज है, ठीक है, अपोजिट चार्ज है, तो इस केस में क्या होता है कि जो थर्ड चार्ज होता है वो साइड में आता है, या फिर इधर आएगा या फिर इधर आएगा, ओके। तो अब देखो किसका मैग्नीट्यूड कम है इन दोनों में से, इसका मैग्नीट्यूड कम है, राइट, तो इधर की साइड आएगा, ओके, राइट। सपोज करते हैं एक्स डिस्टेंस पे ये चार्ज है, थर्ड चार्ज, ओके, -5 माइक्रोग्राम से, ओके। तो देखो ये जो 20 माइक्रोकूलम की वजह से जो फोर्स लग रहा है क्यू चार्ज पे, थर्ड चार्ज पे, वो इधर की साइड लगेगा, ओके, और जो -5 माइक्रोकूलम की वजह से फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट, ओके। और जो थर्ड चार्ज है इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो जीरो है ना, मतलब ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, राइट, कोई फोर्स फील नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, हम ठीक है एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ओके, तो 20 फोर्स ड्यू टू 20 माइक्रोकूलम क्या होगा, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट 20 इनटू, अब इसे मैं कहते हैं कूलम में चेंज करूंगा, क्या क्या करेंगे माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10^-6 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, इनटू क्यू बाय, अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स प्लस 5 है ना, तो क्या होगा, मैं ऐसा ही में लूंगी, ठीक है, तो फिर क्या लिखूंगी 0.05 प्लस एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर, राइट, ओके, मीटर में है ना। और तो ये जो है 20 माइक्रोकूलम, देखो इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो जीरो है, राइट, तो इस केस में क्या होगा, ये जो है 20 माइक्रोकूलम की वजह से जो फोर्स लग रहा है ये, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो -5 माइक्रोकूलम की वजह से फोर्स लगेगा उसके इक्वल होगा, राइट, तो देखो 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10^-6 इंटू क्यू बाय, अब यहाँ से देखो -5 माइक्रोकूलम से जो है इस चार्ज से जो है क्यू का डिस्टेंस क्या है, एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर, ओके, तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, क्यू से क्यू कैंसिल, 10^-6 कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो क्या आएगा 20/0.05 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/x^4, ओके, अब कैलकुलेशन है सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा इफेक्ट, स्क्वायर रूट लेने पे क्या आएगा 0.05 प्लस एक्स बाय एक्स ना, ओके, तो 2x इज इक्वल टू 0.05 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0.05 मीटर है ना, तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
राइट ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आया, ओके एक्स की वैल्यू क्या आई 5 सेंटीमीटर, ओके -5 माइक्रोग्राम से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जो थर्ड चार्ज को रखेंगे, राइट ओके ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, राइट ओके। तो आते आते हैं